ये नापतोल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन का है। हम क्लास 3 एम्प्लाई है। जो पहले जो 2013 में हमारा रूल बना था उसके अनुसार ग्रेजुएशन होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। हम ग्रेजुएट थे सब, लेकिन उस बीच में लॉर्डशिप हमको हमारा पहले पात्र किया फिर अपात्र घोषित कर दिया कि हम फिजिक्स में हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर हमने चैलेंज किया तो कोर्ट ने हमको परमिट किया कि चूंकि रूल में है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तो एलिजिबिलिटी मानते हुए हमको परमिट किया और हम एग्जाम में अपियर हुए। लॉर्डशिप अपियर होने के बाद लॉर्डशिप और कोर्ट का ऑर्डर से उसके बाद इन्होंने क्या किया, लॉर्डशिप परीक्षा को कैंसिल कर दिया। लॉर्डशिप परीक्षा कैंसिल कर दिया अपरिहार्य कारण से विदाउट असाइनिंग एन रीजन। फिर हम कोर्ट में आए तो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और उन्होंने फिर दोबारा अमेंडमेंट कर दिया कि फिजिक्स होना चाहिए और उसके बाद फिर नया विज्ञापन निकाल दिया। फिर उसको भी हमने चैलेंज किया तो दैट इज स्टे है लॉर्डशिप। इन्होंने अर्जेंट हियरिंग लगाया। ठीक किया है। ये बताओ, आपका नापतोल वाले हो ना, तो जी, नापतोल में तो साइंटिफिक काम होता है क्या? अब वो फिजिक्स का लिए ये पूरे की अनिवार्यता बता रहे हैं स्टेट। क्या रूल, पहले रूल में क्या था? पहले था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए क्लास 3 एम्प्लॉय जो है हाँ, अगर वो डिपार्टमेंट में है तो तो वो डिपार्टमेंटल नहीं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अलग कोटा है क्या? जी उसके लिए 25% है। बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं उनके लिए फिजिक्स जरूरी है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल वाले के नहीं है उनके लिए ग्रेजुएशन ही मांगा गया लॉर्डशिप। तो क्या भाई रूल क्या बनाया आपने? जी रूल क्या था इनिशियल का बताइए तो। इनिशियल 2013 का रूलिंग है रूल्स है लॉर्डशिप, दैट इज योर ओरिजिनल रूल्स है लॉर्डशिप। ये है आइटम नंबर कौन सा, 65 में रूल हमने लगाया। एडवर्टाइज में भी है रूल में भी है लॉर्डशिप। ये है पेज नंबर ये सेंट्रल एक्ट निकाला ना, मेट्रोलॉजी एक्ट। जी 67 पेज नंबर 72 में है लॉर्डशिप। शेड्यूल 4 में जो एलिजिबिलिटी दिया है लॉर्डशिप उनके लिए डिपार्टमेंटल वालों के लिए। भाई 2013 की नियुक्ति की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया। जी 2013 के बाद तो 2-3 बार हो गए। अभी जो अभी एडवर्टाइज निकला था हमारा डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर दिया लॉर्डशिप। कब? ये अभी अभी लॉर्डशिप कैंसिल किया। ये WP आइटम नंबर 67 में लॉर्डशिप, 67 निकालना। जिसको आपने टेस्ट किया है कि जब एक बार एग्जाम कंक्लूड हो गया तो उसके बाद अपरिहार्य कारण से आपको कैसे कैंसिल कर दिया इसको। मनोज, इफ आई मे मेक अ प्रेयर मनोज, एक्चुअली द यस मैटर इज अलॉटेड टू मिस्टर गैरी मुखोपाध्याय, ही इज हाँ नॉट अवेलेबल टुडे। इफ आई मे प्रे द मैटर मे बी केप्ट इन द लिस्ट एंड इट विल कम इन द नेक्स्ट वीक मनोज। ऑल राइट। आप हमको ये बताइए जी कि पहले जो नियम था 2013 का, तेरा का वो क्या था बताइए। ये पेज नंबर 72 P7 है लॉर्डशिप P7, जी। वो अभी भी एग्जिस्ट उसी के तहत ही एक परीक्षाएं हो रही है एक लॉर्डशिप। मिनट एक मिनट, P7 पेज नंबर 72 लॉर्डशिप 72। वाह, शेड्यूल 4 क्लास 2 2 के 2 में हाँ, विभागीय अभ्यर्थियों के लिए जहां नियुक्ति यदि निरीक्षक विधि विज्ञान पद पर पदोन्नति द्वारा की गई हो वहां न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगी। नहीं आपने कौन 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 से रूल इसमें 70 में आया है? नहीं, थर्टीन थर्टीन में आए कौन सी पिटीशन पेश कर रहे हो आप? पेश ये कर 18 65 में लगाया है लोग पिटीशन नंबर 7387 2022 अच्छा। हाँ, जिसमें हमको अपात्र घोषित नहीं किया नहीं गया। रूल रूल बताइए, रूल 72 पेज नंबर हाँ, जी P7 P61 से चालू हुआ है लॉर्डशिप। यस। विभागीय अभ्यर्थी के लिए जहाँ नियुक्ति यदि निरीक्षक विधि विधिक मापन पदोन्नति की गई हो, मान्यता प्राप्त है, आपको तो प्रमोशन होगा ना। नहीं विभागीय परीक्षाएं हुई लॉर्ड इसके लिए डिपार्टमेंटल वालों के लिए परीक्षा। कहाँ लिखा है? आप पेज नंबर 72 पढ़ रहे हैं ना? जी हाँ, विधिक माप विज्ञान के लिपिकी वर्ग सेवाओं के और ऐसे सदस्य को लाभ प्राप्त करें जो 18 सदस्य जो लिपिकी विधि वर्ग पर कम से कम 5 साल से काम करें। विभागीय अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति यदि यदि निरीक्षक विधि मापक ज्ञान के
अरे इसमें अपना इंग्लिश वर्जन निकालना तो वो लाया ना, कोर्ट हंड्रेड रिसर्च इंग्लिश सोसाइटी इंग्लिश का का भी मतलब लगाया लॉटरी में। 68 में नो है नो बना। ये इसका रूल निकालना, ये 2013 का रूल है, वो भी जो कंपेंसेशन बनाया ना उसमें है कि देखना था चेक। आइटम ये नंबर 13 68 का में पेज इंग्लिश है। नंबर 90 में इंग्लिश वर्सन भी लगाया है इस नो नो वर्ष। वी हैव ऑल्सो डू सम वर्क, कुछ रूल्स रूल्स हमने पूरे तैयार करवाए हैं, देखें जरा इसको। हाँ छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट टूल 2013। इंग्लिश वर्सन भी हमने लगाया P8 में लॉर्डशिप। अरे आप अलग अलग पिटिशन में लगाते हो, कन्फ्यूजन होता है ना भाई। जी सी हिंदी इंग्लिश दोनों को लगाया फिर। कहाँ है मेरे? ये पेज नंबर 90 में लॉर्ड हाँ ठीक है, लगाओ ठीक है, दो है। हाँ अब P8 इसको कौन सा पढ़ना है हमको? लॉर्डशिप पेज नंबर 90। 90। दो रूल क्लॉज 2 का 2 लॉर्डशिप। हाँ शेड्यूल 4, यस लिमिटेड एग्जामिनेशन ठीक है। वेयर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ये रूल कहता है जी हम ग्रेजुएट थे, आप। हमको पहले स्कूटनी में हमको पात्र किया, फिर बाद में हाँ अपात्र कर दिया, तो हमने चैलेंज किया तो हाँ कोर्ट ने कहा नहीं, इसको बैठने की अनुमति दी जाए। हाँ हम बैठे लॉर्ड्स परीक्षा में हाँ और परीक्षा कंक्लूड होने के बाद फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया अपार कारणों और से। क्या कारण बता रही है स्टेट, व्हाट इज द रीजन? भाई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का भविष्य थोड़ी ना खत्म कर दोगे आप हमेशा के लिए, तो आप साइंस की डिग्री कहाँ से लाएगा? आप ये रूल अमेंड हुआ क्या, ये रूल अमेंड बाद में किए कब लॉर्डशिप, हुआ है? ये रूल अमेंड उसको भी मिला ये कैंसिल करने के बाद। नहीं नहीं ये नहीं अभी नो जो छत्तीसगढ़ ने किया है वो 2013 का रूल कब अमेंड किया अभी आपने? 2022-23 में किया है। है ना? सिक्सटी 68 आइटम नंबर में लॉर्डशिप ये हमने लगाया है, अमेंडमेंट ये हुआ है आपका जी। नॉन गजेटेड सर्विस है ना? दिस इज नॉन गजेटेड और गजेटेड? ये नॉन गजेटेड लॉर्डशिप नॉन गजेटेड, नॉन गजेटेड ठीक है इसमें। मिनिस्ट्रियल। ये अमेंडमेंट हुआ लॉर्डशिप 26/6/2023 को लॉर्डशिप 26/6/23 जी, को ठीक। और परीक्षा कैंसिल। और अमेंडमेंट 309 में हो चुके आर्टिकल में, रूल रूल में ही किया रूल में लॉर्डशिप। अमेंड कर दिया उन्होंने। कब अमेंड किया है? अमेंडमेंट है ये देखेंगे 68 पे आइटम नंबर 68 में P3 में देखेंगे लॉर्डशिप। अरे फिर अब आप इधर उधर घुमाते हो हमको भाई। 68 का अलग अलग करते गए तो हमने उसको क्वेश्चन करते गए लॉर्डशिप। अरे एक में तो भी ये रूल लगा दिया करो भाई, अनुसूची 4 के नियम 2 में अनुसंशोधन किए हम हैं भी फिर घुमा घुमा के जजमेंट कर देंगे भक्त साहब। हमारे को जी। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रील बताओगे तो हम घुमा घुमा कर देंगे। नहीं घुमा ये अनुसूची में ही अमेंड किया लॉर्डशिप दे हैव शेड्यूल अमेंड द शेड्यूल जी व्हेन इन द ईयर 2023। 26 जून 2023। अच्छा व्हाट इज द रीजन फॉर कैंसिलेशन एंड व्हाट इज द, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रोजेक्शन, व्हाट इज दी हाउ यू विल सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट? लगता है सब कायदे से तो आपको कोई केस बनता नहीं है। जी देखिए प्रमोशन रूल गवर्नमेंट ने अमेंड की 2023 में ठीक जी है, और उसके पहले उन्होंने सारी परीक्षाएं बिना रीजन के कैंसिल कर दी है। व्हाट एवर द रीजन दैट इज देयर प्रेरोगेटिव, नाउ ओनली वन केस कैन यू कैन प्रोजेक्टेड योर केस हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कैन बी सिक्योर
when they were initially appointed in the service, when they you were appointed in the service? 2009 आठ नौ के आसपास है आठ नौ लड़की, में. What was the rule prevailing at that time? ये उस समय लड़की हमारा जो अपॉइंट 2013 के तहत हुआ है लड़की, ये 2009 के तहत, तो नौ में क्या रूल था? उस समय ग्रेजुएशन जरूरी नहीं था, फिजिक्स जरूरी नहीं था। नौ में भी नहीं था, 13 के रूल में भी नहीं था, जी अब 23 के रूल में आया है. जी तो क्या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का आप भविष्य वही खत्म कर देंगे क्या? व्हाट इज योर प्लानिंग टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट? एज पर रिप्लाई इट इज स्टेटेड कि वो नेशनल जो सेंट्रल एक्ट है वो इन लाइन 2009 विद के हिसाब दैट। से, जी 2009 में ये सब्जेक्ट मैटर किसका है? फूड जो है किसका है? सेंट्रल का है, कॉन्करेंट लिस्ट का है, किसकी लिस्ट का है? नौ 11 13 तीन आप तीन सर्विस रूल्स बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? स्टेट है, तो स्टेट हैज टू लुक आफ्टर अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस. व्हाई दे विल गो फॉर द सेंट्रल? और डॉट सिर्फ 2013 में जो रूल बने पुराने सब रूलों को रिपील कर दिया, और 13 में ही आया कि छत्तीसगढ़ के स्पेशल बनाया कि यहाँ के लिए ग्रेजुएशन ही पर्याप्त है लॉर्ड सिर्फ। अब ये जो इन्होंने जो ड्राफ्ट रेजुलेशन भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोसेस में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, तो फिर इन्होंने 2023 में रूल बना दिया। रूल बनाना तो इनका पावर है भाई, जी दैट पावर कैन तो बी है लॉर्डशिप, दैट शुड बी पर्सपेक्टिव होगा लॉर्डशिप। क्यों दो हजार प्रोड्यूस। जिस दिन बना है उस दिन से आगे होगा, तो आपकी परीक्षा कब हो रही है? नई वह उसके भर्ती पहले का है लॉर्डशिप। नहीं, वो तो कैंसिल हो गई है। हाँ कैंसिल के कैंसिल हो गया, तो वो गलत। भक्त साहब उस चक्कर में जाओगे ना तो जी सारी तो जगह की वो परीक्षा अपरिहार्य कारणों से पूछे कोई नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आप हमको ये चीज बताओ, आप 2023 का रूल अगर लागू हो गया है तो फिर हम कैसे, हमको बस ये देखना है कि आपकी एम्प्लॉय का कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अभी उसमें उसमें इनको कुछ करवाते हैं। इसमें कुछ नहीं है लॉर्ड्स इसके बारे लीगली में। तो आपको कुछ है नहीं, ये आप भी जान समझ रहे हो। लीगली यू हैव वेरी तो पुअर केस, वीक केस। हाँ 100% रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया लॉर्डशिप। हाँ तो दैट देन योर इंटरेस्ट विल बी एडवर्सली। तो आप कैसी एक मिनट मैडम, यस इसमें पॉइंट है आपका। बक्ता साहब आपके यहाँ 25% सीट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल के लिए, जी तो आप कैसे कैंडिडेट को करते हो करोगे भर्ती मैडम? आपके यहाँ अच्छा BSc साइंस वाले कितने लोग हैं? है खाली ग्रेजुएट का ग्यारह नहीं, ग्यारह BSc मैथ्स वाले कितने लोग हैं? तो पता नहीं लॉर्डशिप, हम लोग तो फिजिक्स वाले नहीं हैं, हम लोग अरे तो फिजिक्स ग्रेजुएट। वाले होते तो हमारे क्यों आते आप? जी जी वैसे भी कहीं नाप तौल करते रहते। आप ये बताइए, इट विल अमाउंट टू 100% फॉर फिलिंग अप द पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इग्नोरिंग द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, देन व्हाट इज द लॉ इस बारे में बताइए। इसी में कुछ स्कोप है, क्योंकि बट राइट टू बी प्रमोटेड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट राइट टू बी कंसीडर माइनर बट एंड यू आर फ्रस्ट्रेटिंग दी इज राइट इवन फ्रॉम टू द कंसीडर। जोन ऑफ कंसिडरेशन। हाँ तो देन हाउ कैन यू फिल अप द पोस्ट, यू हैव ऑलरेडी अमेंडेड द शेड्यूल। सी अरे ये ऐसी क्वेश्चन कर देते हैं, रेजिमेंट रुके, आपने केवल शेड्यूल कमेंट किया है और रूल को तो अमेंड ही नहीं किया है। तो शेड्यूल, अब हमको एक चीज बताइए, शेड्यूल और रूल्स में अमेंडमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक वो जजमेंट निकाला था MPR एक्ट में, जब अमेंडमेंट हुआ था, जब इसमें ID एक्ट से डिलीट किया था, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया डिवीजन बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी हुआ है, उसमें शेड्यूल में अमेंड करने वाले इश्यूज को और रूल का क्या इफेक्ट है उस पर जजमेंट आया है, वो देखिए। अपने हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल क्या जस्टिस अरूप गोस्वामी सर थे, उसमें यही हुआ था। मतलब इन दैट केस आल्सो देयर वाज अमेंडमेंट ओनली इन द शेड्यूल शेड्यूल नॉट इन द रेलेवेंट रूल्स? रूल्स, तो फिर मतलब क्या हुआ फिर? वो क्वेश्चन था। एंड स्टेट हैड प्रेफर्ड अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बट आई डू नॉट नो द स्टेटस एज ऑफ नाउ। सो अनलेस यू अमेंड द रूल द शेड्यूल इज रिडक्टेंट। बट द रूल इन दिस केस द रूल इज वेरी स्पेसिफिक मैनर्ड। ग्रेजुएट रूल 13, नो मैनर्ड, रूल 13 प्रोवाइड्स दैट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन थ्रू डायरेक्टली हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी द डिपार्टमेंटल शेड्यूल कैंडिडेट फोर इज अंडर रूल 13 मैनर्ड। रूल 13। ऑल मैनर्ड राइट लेट अस सी। नो नो रूल 13 स्कीम फॉर प्रमोशन थ्रू थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दिस इज द स्कीम फ्रेम्ड अंडर द रूल 13। एंड लॉर्डशिप, माय व्हाट इज द लॉर्ड, एंड रूल? द रूल यस डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी क्राइटेरिया, इट ओनली सेज नो 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 प्लीज सी द शेड्यूल। शेड्यूल शेड्यूल में जहां पे आपने अमेंड किया है,
अपॉइंटमेंट का और प्रमोशन का, और कितने होंगे तो शेड्यूल का आपने अमेंड कर दिया। मतलब दैट इज व्हाट माय सबमिशन इज कि रूल यही बोलता है कि शेड्यूल में जो क्राइटेरिया होगा उससे फिलअप करेंगे। बट दी यू आर नॉट अमेंड द रूल अनलेस द रूल इज मॉडिफाइड, हाउ द शेड्यूल विल बी इन ऑपरेशन। मतलब द रूल इज वेरी क्लियर, मतलब वेयर ये इट वेयर द रूल सी रूल 13 आई हैव नॉट आइटम्स ऑलराइट ऑलराइट 68 यस यस पेज नंबर 48 ऑफ हाँ आइटम नंबर 68 द हेडिंग इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम मिनिस्टेरियल एम्प्लॉय सब रूल 1 फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी फ्रॉम अमंगस्ट द मिनिस्टेरियल सर्विसेज ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज लेड डाउन इन शेड्यूल 4 शैल बी हेल्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड दैट हैज बीन नो नो सब्सिक्वेंटली दे हैव अमेंडेड। दी सी हियर इन द रूल्स दी रीड इट अगेन फॉर फाइलिंग फिलिंग द The पोस्ट ऑफ post of फर्स्ट inspectors इंस्पेक्टर of ऑफ legal लीगल metrology मेट्रोलॉजी from amongst the ministerial services of the legal metrology a competitive exam in accordance with the scheme as laid down in schedule 4 shall be held by the appointing authority. And earlier the scheme was graduate. Now the now it has been amended graduate with one subject of Now please see the schedule 2 of see rule 6. I am talking about schedule 2. Please see the schedule 2. Man. What the schedule 6 how you amend the amend of the rule 6 ko padhiye. Let us see, examine it. Man. Rule 6 is at page number 41. Yes, yes. Method of recruitment. हाँ सब रूल 1 रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल शैल बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स नेमली ए बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बाय सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड इंटरव्यू बी बाय प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ द छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी एज स्पेसिफाइड इन स्कीम मेंशन्ड इन शेड्यूल 4 यस The number sub-rule 2, the number of persons recruited under clause A or clause B of sub-rule 1 shall not at any time exceed the percentage as shown in schedule 2 of the number of duty posts as specified in schedule 1. That is divided at 75% from direct recruitment and 25% from promotion through limited competitive. And the schedule 4 is a scheme framed under 309. Man. Now you have amended it. Where you amended? Where is the amendment? In the petition, my lord, at page number 22. Yes. It is also under proviso to Article 309. The amendment is also under that. And where? P3, page number 22. 22. My lord. Is it serial number is? 68, my lord. Huh? Serial number 68. Yeah, number is WPS number. 6, 5996. लिखा भाई पंडित हाँ ये है पेज नंबर 22 में अनेक्स P3 इंग्लिश वर्जन इज एट 23 Now, whether the rules will be made applicable retrospectively or it is a That's is it not a is it not a play game by, game play by the officers? Man. They have cancelled the examination and thereafter amend the rules. Man. So, what will be the fate of the employee who are already working with the department? No. That's why I have stayed the order. Yes. Man. Because these are in-service candidates, my lord. Yes. So it will be, my lord. And if I would submit fairly, and whether, at the time of appointment, and whether the metrology law says that the inspector should be science graduate, act says, and whether the act has made a provision with regard to the departmental candidate, please tell us. Man, that will happen. ये तो एक ऑफिसर की दिमाग की उपज है.
बताइए। हेलो, वेदर दी, अच्छा एक काम कीजिए, ये संशोधन जो आपने पेश करवाया है उसका जरा नोटशीट पूरी मंगवाइए। वो रिप्लाई में है मैम। व्हाट इज द रीजन असाइंड बाय यू पीपल टू अमेंड दिस रूल्स, टेल अस। रिप्लाई नोटशीट इज एनेक्सर R1 पेज नंबर 8 यस, इन द सेम सेम पिटीशन। मैम। यस पेज नंबर, पेज नंबर स्टार्ट लॉटशीप फ्रॉम पेज नंबर एट, 8 मिला। आर वन के पेज नंबर 8 से अनवर्ड से लॉटशीप। इसी पिटीशन में यस मैम। आइटम नंबर 68 5996 WPS। ऑर्डर शीट कहाँ, नोट शीट कहाँ आपकी? हाथ से लिखा हुआ है, पेज नंबर स्टार्ट आठ से फ्रॉम पेज नंबर 8 अनेक्षर R1। नहीं, इसके तो हमारे में नहीं लिखा है, स्टेट के रिप्लाई में है। हाँ, स्टेट से रिप्लाई नहीं। इट वाज फाइल्ड ऑन 26/9/2023। ऑल ट्वेंटी राइट, सिक्स नाइन ट्वेंटी टू देखो तो पढ़ आई वाज फेयर कॉपी दिखाई दी है, कौन से कैसे? नहीं, 5996 ये आइटम मेरे नंबर पास ही 68। जिसमें स्टेक किया मैंने। हाँ बताइए, एक्स्ट्रा कॉपी दिखाई। अच्छा, मल्टी संशोधन किया जाना अपेक्षित है ना? अब उसके बाद, और आप तो नियम 11 का रेफरेंस ले रहे हो। हाँ, 11 क्यों? में फिजिक्स था लॉर्डशिप, डायरेक्ट वालों के लिए। डायरेक्ट वालों के लिए तो हमेशा रहेगा, आप तो डिपार्टमेंटल सी 11 में डिपार्टमेंटल वालों के बारे में क्या रूल था? फिजिक्स था लॉर्डशिप हाँ जी, डिपार्टमेंट का कोई नहीं था हाँ वहां, वही तो हम बोल रहे हैं, तो उसका कोई प्रावधान नहीं होने के कारण फिर 2013 में सरकार ने कानून बनाया कि सरकार में डिपार्टमेंट उसमें तो सिर्फ ग्रेजुएट किया उन्होंने, जी। साइंस नहीं लिखा है। हाँ मैं सिर्फ ग्रेजुएट। तो फिर क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी नोटशीट ही देखो, 2011 से विषय ले रहे हैं आप, 2011 के नियम क्यों लेंगे आप? रूल्स, अच्छा रूल 2011 उनके विधिक भापा ज्ञान सामान्य रूल्स 2011। वो 11 का भी हमने लगाया लोटे नो नो दैट इज दी अंडर द मेट्रोलॉजिकल एक्ट रूल्स जो मेट्रो उसके बारे में बताया मैंने। जी। इसमें ऐसा लगता है 11 में चूंकि डायरेक्ट वालों के लिए था और डिपार्टमेंटल के लिए नहीं था, तो सरकार ने 2013 में नियम बनाया डायरेक्ट वालों के लिए, ये 25% करके लिए। और उसके बाद हमेशा, अभी 2-3 बार परीक्षाएं हो गई, रिक्रूटमेंट भी हो गया, अभी ये चेंज कर दिए कि चूंकि फिजिक्स नहीं होगा तो इनको अपात्र घोषित कर रहे हैं 2023 में, जबकि वो रिपील्ड हो चुका है 2011 भी 2013 में, तो क्या वो पुराने सारे नियम रिपील्ड किए जाते हैं। ठीक है ना? तो 13 के बाद तो अब तो इन्होंने 23 में नया नियम लिया है। जी अब हमको दो तीन पॉइंट में क्लियर कीजिए। पहले स्टेट, पहले ये तो बताइए कि आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को फिर आप कैसे अकाउंटेड करोगे? क्या दैट पोस्ट विल लाइक मेकिंग फॉर एवर? आफ्टर दी अमेंडमेंट जो एलिजिबल होंगे माला नो, डिस्टर्ब दोस। वेदर दी देन 25% कोटा विल बी, क्या होगा उसका? एंड सी,
आपके रूल में देखिएगा भक्त साहब, 2011 के रूल में जी ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का रूल्स है उसमें अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको कैसे करोगे आप? एक्सपीरियंस के बारे में क्या प्रोविजन है कि अगर एक्सपीरियंस है भाई, भाई डिपार्टमेंटल काम कर रहा है, देन हाउ कैन यू विल इग्नोर दी रूल्स प्रमोशनल एवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट? इट विल अमाउंट टू अनफेयरनेस। यू आर सीधे रिजर्विंग 100% पोस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जी एंड व्हाट विल बी द फेट ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट? इसलिए सरकार ने उस 2013 को क्लियर करके दोनों को किया, इनका और इनका डिपार्टमेंट का, लेकिन अब उसको अमेंड फिर कर दिया 2023 में। वो इसको कंटिन्यू करेंगे, परसों बताइएगा। लेट मिस्टर गैरी कम एंड मैडम यू मेक अ पॉइंट, लिखना दी इसको, अभी ऑर्डर शीट को साइन मत कराना, इसको कंटिन्यू करेंगे, परसों सुनेंगे हम। दी स्टेट इज डायरेक्टेड टू क्लेरिफाई व्हेन दी वैकेंसीज वेयर एडवर्टाइज दी पिटिशनर वाज एलिजिबल एज पर दी रूल्स, सब्सिक्वेंटली दे हैव डिलीटेड द रूल एंड साइंस फैकल्टी वॉज मेड कंपल्सरी फॉर प्रमोशन ऑल्सो। दी पिटिशनर्स आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट फॉर लास्ट 2008 एंड 2009 एंड देयर प्रमोशनल एवेन्यूज हैव बीन डिफर्ड। वेदर दी मेट्रोलॉजिकल एक्ट 2009 एंड दी रूल मेड देयर इन प्रोवाइड्स एनी स्कीम फॉर फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल विथ रिगार्ड टू दी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। जी लेट दिस थिंग्स बी क्लियरिफाइड बाई द स्टेट। सेकेंड, दी अपॉइंटमेंट दी सेलेक्शन प्रोसेस वेयर दिस की सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टेट बाई दिस कोर्ट एज दी नहीं, अल्टीमेटली पहले क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा। दी नोट शीट्स हैव ऑल्सो बीन फाइल्ड बाई दी स्टेट वाइल टू टू सब्सटेंशिएट देयर सबमिशन दैट दी फॉर ए रीजन दैट हैज बीन अमेंडेड द रूल्स। दी फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्डर शीट डज नॉट डील विद दी अपॉइंटमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट रिलेट्स टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड द रूल्स प्रोवाइड दैट। मैडम ऐसे में तो फिर डिपार्टमेंटल के जो 25% है पोस्ट खत्म हो जाएगी बाय दिस सेड अमेंडमेंट। नाउ यू आर अब हमको समझ में आया। देखिए आपका रिक्रूटमेंट रूल है कि 25% वो तो अभी भी अनटेस्ट है, अनटेस्ट है, तो आप उसको सुपर जब तक उसमें नहीं कंपलसरी नहीं करोगे, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, आप केवल शेड्यूल में कैसे करोगे जब तक रूल में नहीं लाओगे आप? रूल्स प्रोवाइड्स फॉर 25% टू बी पोस्ट टू बी फिल अप बाय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एंड दी शेड्यूल्स आर ऑल्सो अनेक्स्ट शेड्यूल 4 विच डील्स विद दी क्वालिफिकेशन। By way of amending the schedule, they have superseded the rules also. Whether it is permissible under law, let be clarified. वो 75-25 भी शेड्यूल में ही है। शेड्यूल में ही है, ठीक है। आप उसमें देखिए भर्ती नियम 6 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि विभागीय भाई विभाग का तो रूल वो तो शेड्यूल में तो कोटा फिक्स रहता है जी, लेकिन डिटेल उसी में है। डिटेल में, लेकिन रूल तो मेन है ना, माल। तो जब तक आप रूल को अमेंड नहीं करके लाएंगे तब तक शेड्यूल को कैसे करोगे? शेड्यूल माल। देखिए नोटिफिकेशन है, शेड्यूल इज अ नोटिफिकेशन ऑफ द मतलब वो तो नोटिफिकेशन मतलब शेड्यूल है, और रूल जो है 309 की पावर में इस्तेमाल करते हुए बना है, एंड अनलेस यू अमेंड द रूल्स हाउ कैन यू विल अमेंड द शेड्यूल दैट हैज टू बी आंसर्ड बाय यू। नाउ लेट अस सी कंटिन्यू।